प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने दीपावली के दूसरे दिन जैसी नगर के गोवर्धन टोरिया पर लगने वाले गोवर्धन मेले में हिस्सा लिया, जहां मेले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का अलग अंदाज देखने को मिला। जहां जनता की मांग पर गोविंद सिंह ने न सिर्फ लोकगीत दिवारी गाया बल्कि मोनियों के बीच पहुंचकर जमकर नृत्य भी किया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बुंदेली में मंच से दिवाली गाकर मोनियों के साथ जमकर थिरके। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गोवर्धन टोरिया में गोवर्धन मंदिर पहुंचकर भगवान गोवर्धन जी की पूजन अर्चन की। उसके बाद मेले में सांस्कृतिक और लोक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया, साथ ही क्षेत्रवासियों का हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि जैसी नगर के गोवर्धन टोरिया पर हर साल दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के गांव के हजारों लोग शामिल होते हैं। बुंदेलखंड की परंपरा है, सारे मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा आज हो रही है। हमारे जैसी नगर सुरखी विधानसभा में गोवर्धन टोरिया पर हजारों की संख्या में यहाँ जो मौनिया होते हैं, जो मौन व्रत रखते हैं, कोई ना कोई संकल्प लेते हैं और ये लोग संकल्प पूरा होने के बाद कई जगह 12 गांव का चक्कर लगाते हैं। 12 गांव का चक्कर लगाने के बाद फिर गोवर्धन भगवान की पूजा करने के बाद मौन खोलते हैं और उसमें ये दिवाली नृत्य जो है ना, ये बुंदेलखंड का बहुत ही प्रिय सॉन्ग है। इसमें मौनिया लोग बहुत ही लुभावनी प्रस्तुति भी देते हैं और देखिए वो लोग इस समय ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, पानी भी बोलो नहीं पीते हैं। और 12 गांव का पूरा चक्कर लगा के यहाँ आते हैं, ये उनकी तपस्या है। और ये बहुत बड़ा हम लोगों का त्योहार है जिसमें हम सारे लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ इसको मनाते हैं। मुझे खुशी है कि आज इस मेले में मैं हम हमारे क्षेत्रवासियों के साथ में हूँ और क्षेत्रवासी बहुत ही उमंग उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। दिवाली चूंकि कल दिवाली थी और दिवाली के बाद 11 तक ये सारे दिवाली गायक का प्रोग्राम चलता है। गांव गांव में दिवालियां होती हैं, गांव गांव में लोग उत्साह के साथ दिवाली गाते हैं। बरेदी नृत्य जो है ना, वो बड़ा यहाँ का फेमस नृत्य है। हम सबके लिए यहाँ आज बहुत ही आनंद का दिन है और मैं चाहता हूँ इस आनंद में बुंदेलखंड के साथ सारा मध्य प्रदेश भाग ले उत्साह के साथ। सर, जो भट्ट के संबंध में एक सवाल है, 70 वर्षों से वहाँ पे कांग्रेस का तंबू गड़ा था। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जैसी नगर से ब्रजेंद्र रैकवार की रिपोर्ट।